तो अभी अभी मैंने अपना हेयर कटिंग किया है और वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने से हम 2 लेयर हेयर कट कैसे कर सकते हैं, 3 लेयर करने वाले थे लेकिन मैं सोची चलो उतना बाल क्यों काटूँ, काफ़ी लंबे लंबे बाल हैं तो मैंने 2 लेयर ही कट किया है। और ये मेरे फेसियल है कुछ इस तरह देख रहे हैं कट करने के बाद। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ मैं पहले अपने बालों को अच्छे से टेंगल फ्री कर लूँगी, एक भी बाल हमारे उलझे हुए नहीं होने चाहिए, सारे बालों को हम अच्छे से सुलझा लेंगे। और मेरे बालों का लेंथ भी अभी देख सकते हैं और लगभग मैं 5 इंच तक कट करने वाली हूँ। और देख सकते हैं ये लेंथ का एंड में काफ़ी रफ़ और काफ़ी डैमेज दिख रहे हैं बाल, और काफ़ी 2 मुँहे भी हो चुके हैं। तो बालों को अच्छे से टेंगल फ्री कर लेंगे। और यहाँ मैंने एक सैनिटाइज़र का बोतल लिया है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसमें पानी डाल के मैं अपने बालों में स्प्रे कर रही हूँ। थोड़ा पानी स्प्रे करके बाल अगर कट करते हैं तो काफ़ी अच्छे से हमारे बाल कट हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा पानी हम स्प्रे करने के बाद फिर मैं एक बार कंघी कर लूँगी और जहाँ जहाँ थोड़ा ड्राई है वहाँ पे थोड़ा सा और पानी स्प्रे करके उसे भी हम अच्छे से गीला कर लेंगे, बालों को अच्छे से हम सुलझा लेंगे। और साइड से कंघी कर लेने के बाद सारे बालों को हम अपने आगे तरफ झुका लेंगे और इस इधर से भी एक बार कंघी से हम कंघी कर लेंगे ताकि इधर भी जितने बाल हमारे उल्टे साइड भी उलझे हुए हैं सारे बालों को हम सुलझा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट कर दी हूँ तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने बालों को अच्छे से कंघी कर लिया है, सारे बाल अच्छे से मेरे सुलझ चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिया है इलास्टिक गार्टर, तो आप जितना पार्टीशन चाहें उतना पार्टीशन में बांध कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 रबड़ से बांध लिया है 3 भाग में, और जितना मुझे कट करना है उस रबड़ के ऊपर हमें कट करना है। तो जितना कट आप करना चाहें आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाप रही हूँ, मुझे नाभि के थोड़ा नीचे तक चाहिए तो मैं नाभि से नाप ले रही हूँ ताकि इससे मेरा लेंथ ज़्यादा कम ना हो। अभी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा लगेगा कि इतना कैसे काट दे रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लंबे बाल काफ़ी ज़्यादा पसंद है और साथ ही मेरे हस्बैंड को भी, उनको तो मेरा बाल काटना एकदम ही पसंद नहीं है। लेकिन डैमेज हो जाने पे क्या करें, काटना तो पड़ेगा ही। बालों को थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए तो मैंने यहाँ पर लगभग 5-6 इंच बाल अपने कट चुके हैं और काफ़ी अफसोस हो रही थी मुझे। तो बस ये मैंने डैमेज बालों को कट कर लिया है। अगर बालों को अच्छा लुक देना है तो थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीजर से हम बालों के एंड में चला देंगे ताकि ये प्रोफेशनल हमारे लगे। और ये मैंने कट कर लिया है और आप देख सकते हैं फाइनल लुक। आप लोग बताइए कैसे दिख रहा है। अगर आप चाहें तो बस इसी स्टेप तक आप कट कर सकते हैं, और इस तरह कट करने से होता है कि आपका लेंथ भी कम नहीं होता है, आपका लेंथ सेम ही लगता है, 1-2 इंच कम होता है। देख सकते हैं लेंथ बिल्कुल बराबर सा लग रहा है, जितना था उतना ही है लेकिन 4-5 इंच तो कटा है। इस तरह कट करने से लेंथ कम नहीं लगता है। तो ये है एक लुक, आप इतना में भी अपना इस तरह भी अपने बालों को कट कर सकते हैं। लेकिन मैं और एक लेयर कट करने वाली हूँ तो उसके लिए मैं अपने बालों को बीच से डिवाइडेड कर लूँगी, साइड से नहीं हेड के बीच से डिवाइड करेंगे। तो नीचे के जो बाल है उसे मैं मोड़ के यानी जुड़ा बना के रख लूँगी और जो आगे के पार्ट है उसे हमें कट करना है। तो आप देख सकते हैं पार्टीशन, इस तरह पार्टीशन करके आप चाहें तो खुद से कट कर सकते हैं, 2 लेयर 3 लेयर आपको जितना लेयर का बाल कट करना है आप खुद से ही कट कर सकते हैं। अगर आपके स्ट्रेट और सिल्की हेयर है तो काफ़ी सुंदर आपका लुक आएगा। तो यहाँ मैंने पीछे के बाल को जोड़ा बना के क्लिप लगा लिया है और ये आगे के बाल को मैं एक बार कंघी कर लूँगी, उसके बाद इससे भी हमें कट करना है। मैं कभी इस तरह लेयर में कट नहीं करती हूँ लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं खुद ही अपने बाल काटती हूँ, अगर मुझे सिर्फ इक्वल या बराबर करना है, सेट करना हो तो भी मैं खुद ही कर लेती हूँ। जब सेट करना होता है तो फिर वो बाल मुझे साइड से कट करने होते हैं। तो यहाँ मैंने रबड़ लगा लिया है बालों में और जितना मुझे कटना है
लास्ट के रबड़ के ऊपर में थोड़ा सा मैं कट करूँगी, और इस बार ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 इंच ही बाल में कट करूँगी। तो देख सकते हैं इतना मैंने कट कर लिया है, और बस नीचे से थोड़ा सा कैंची चला देंगे। बस ये हमारे 2 स्टेप हेयर कट हो चुके हैं। आप चाहें तो इसी तरह करके आप 3 स्टेप भी कट कर सकते हैं, तो मैं वो भी थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, लेकिन मैं कट नहीं करूँगी। तो बस ये जो हमने कट किया है सेकंड लेयर का बाल, उसका हमें आधा हेयर को पीछे जुड़ा बना लेना है पीछे साइड, और जो आगे के बाल है उसे हमें कट करना है। तो ये मैंने पीछे के बाल जो थे उसे मैंने बैंड करके इस तरह क्लिप लगा दिया है, और जो आगे के बाल है अगर आप 3 लेयर कट करना चाहें तो बस इसे आप कट कर सकते हैं। आपको जितना कट करना हो उस अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आप लोग को दिखा रही हूँ, मैं कट नहीं करने वाली। तो ये एक रबड़, ये दूसरा रबड़ और तीसरा रबड़ इस तरह बांध के हम कट कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली कट करना था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि और नहीं कट करना है, तो बस मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया। और आप लोग लास्ट में बताइए कैसे दिख रहा है, और ये है फाइनल लुक। और ये मेरा बच्चा थोड़ा परेशान हो रहा है स्टार्टिंग से लास्ट तक, ये आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा, वो बहुत ही इन्जॉय ले रहा था। तो ये है लुक, और आप लास्ट के एंड में थोड़ा सा देख सकते हैं वी लुक आ गया है, लेकिन मैं मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि लास्ट का एंड काफ़ी लंबे थोड़े बाल दिख रहे हैं, तो मैं उसे कट कर दूंगी। और ये देख सकते हैं जो थोड़े से वी लुक में कोना निकल रहा है नीचे से, उसे मैंने कट कर दिया है, और ये मेरे बाल का फाइनल लुक है। और यहाँ मैं सोच रही हूँ आगे के बाल कट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कट कर लेना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया नहीं कट करना है। और तो ये है मेरा फाइनल लुक, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये मेरा हेयर कटिंग कैसा लग रहा है। और है मैंने इस तरह पहली बार ट्राई किया है खुद से लेयर कट करने में, लेकिन मेरे फ्रीजी बाल होने की वजह से उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद आया है। आप लोग को बताइए आप लोग को पसंद आया या नहीं आया। अगर खुद से कट करना चाहें तो आप अपना बाल इस तरह लेयर में खुद से कट कर सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूंगी एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं देखना है तुमको। इसका भी बाल काटे थे ना, तुम्हारा भी बाल काटे थे ना, तुम्हारा भी बाल काटे थे ना, इसका भी बाल मैंने ही काट दिया था लॉकडाउन में। अभी तो फिलहाल खुल गया है, लेकिन यहाँ पार्लर में कुछ सिक्योरिटी है नहीं उस तरह। वो मेरी अच्छी लड़की है, पार्लर ना जाना ही अच्छा है। अभी दो सप्ताह पहले इसका भी बाल मैंने काटा है, फिर इसका बढ़ गया, और आज मैंने अपना हेयर कटिंग किया है। है बड़ा नहीं होगा मेरा, क्यों ये मेरे फ्रीजी है। हम